नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गार्डनिंग विद वंश के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए सबसे पहले वीडियो को वॉच करने के लिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और हम चैनल पे नए अपडेट करते रहेंगे तो वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप घर पे सीडलिंग ट्रे कैसे बना सकते हैं। मार्केट में भी सीडलिंग ट्रे मिलते हैं पर वो बहुत कॉस्टली रहते हैं और वो बहुत कमज़ोर रहता है। उसमें से एक बार पेड़ उगा लेंगे तो निकालेंगे तो टूट जाता है। तो आपको मैं सस्ता और सबसे सस्ता दिखा रहा हूँ। ये चाय पीने वाला कप है, इसमें मैंने ड्रेनेज होल बना लिया है। ये मुझे 1 रुपये में एक भी नहीं पड़ता, ये मुझे 13 रुपीज़ में 50 पीस मिलता है गाइस। और ये बहुत सुंदर भी दिखते हैं, जैसे ये देखिए, तो आप ले सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने एक एक लाइन तैयार करके रखी है। इसका मिक्सचर मैंने कोकोपीट 70% कोकोपीट और 30% वर्मी कंपोस्ट का लिया है। ये सीडलिंग मतलब सीड जनरेशन करने के लिए बहुत अच्छा है गाइस। आप इसको यूज़ कीजिए, आप सीडलिंग ट्रे मत खरीदिए क्योंकि वो बहुत महंगा रहता है, वो बहुत यूज़ भी नहीं आता है। आप इसमें 1 से 2 बार पेड़ उगा सकते हैं। अगर और इसमें पानी स्प्रे आपको कैसे करना है, आपको पानी स्प्रे एकदम आराम से करना है, मतलब जैसे डायरेक्ट हाथ से डालना है, सिर्फ स्प्रे करना है इन सब में थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा सीडलिंग ट्रे है। ये मैंने लकड़ी का मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, तो ये मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने उसमें किया है। ये देखिए, आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है, उसको आप एक ऐसी जगह रखें जहाँ पे पेड़ बड़े हो, जहाँ हवा ना चले तो गिर ना जाए पेड़। ये देखिए, जैसे इसमें मैंने अभी कुछ पेड़ लगाने हैं मुझे, तो मैंने इसमें किया है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइस। इसमें मैंने पहले 40 रुपीज़ का वो ख़रीदा था प्लास्टिक का, उसमें मैंने एक बार ही ग्रो किया और वो सारे पेड़ मैंने जैसे जैसे मैं पेड़ निकालते गया, ग्रो तो बहुत अच्छा हुआ था गाइस उसमें, पर जैसे ही मैंने उसे निकाला तो वो पूरा ख़राब हो गया। तो उसके बदले आप इसे यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा भी रहता है और बहुत सस्ता भी है। ये इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं करेगा क्योंकि बायोडिग्रेडेबल रहता है, ये हो जाता है, ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है, पर जो प्लास्टिक का रहता है वो नहीं होता है। तो आप उसे यूज़ मत कीजिए मेरे हिसाब से, और वो हीट जल्दी भी हो जाता है। अगर आप धूप में रख देंगे तो हीट हो जाएगा तो आपके रूट्स ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए ये प्लास्टिक कप्स मतलब ये पेपर कप्स यूज़ कीजिए। पेपर कप्स बहुत अच्छे भी रहते हैं। और इसमें ड्रेनेज होल बना लेना याद से गाइस। ये देखिए, चार पांच ज़्यादा मत बनाइए, 4-5 इनफ है। अगर आप 1-2 भी बना देंगे तो काफ़ी है, क्योंकि हमें पानी स्प्रे से करना है। कभी भी हाथ या फिर गिलास विलास से ना डालें, सिर्फ हमें स्प्रे करना है। अगर आप उसे डालेंगे तो आपका रूट्स जो सीड्स होंगे वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अभी आपको 1-2 भर के भी दिखाता, पर मेरा कैमरा जो हम जो रिकॉर्डिंग करता है वो नहीं आ चुका है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने 6 पीस डेमो करके रखे हैं। ये देखिए, आप पहले आधा भरें फिर इसमें सीड डाल के फिर पूरा भर दें। ये देखिए, दूर से बहुत सुंदर दिखेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। ये मेरा मिक्सचर है, ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा मिला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने 70% कोकोपीट यूज़ किया, 30% वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप 20% गार्डन सॉइल, 30% गार्डन सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोकोपीट अगर आपके कोकोपीट तो ज़रूरी है, कोकोपीट बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको जानना है कोकोपीट क्या होता है, वो कैसे बनता है या फिर मार्केट में क्या मिलता है, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गार्डनिंग विथ वंश, सी यू, बाय बाय।